सरकार से निवेदन है कृपया दरुआ कार्ड बनाया जाए, एक दरुआ कार्ड पे एक दिन में सिर्फ 2 बोतलें दी जाए। होल सेट तो अब इसको चाचा जी भाई बोल रहा है, भाई पढ़ते लिखते हो या नहीं पढ़ते लिखते हो? हूँ, मेरा एडमिशन हुआ है, भोपाल में हुआ है। और साड़ियाँ कापियाँ तो हो सकियाँ मिठिया, पर साडे मुकाबले नहीं होंगे। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू ब्लॉग। आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो बेसिकली गाइस, करंटली आई एम हैविंग माय टी और बस चाय पी के और नाश्ता करके अपन चलते हैं खेत। और आज अपने लिए करनी है सोयाबीन की कटाई, और अपन सोयाबीन की कटाई कर रहे थे रीपर के थ्रू, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो अब अपन ने उन प्रॉब्लम्स को सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। और अब अपन देखेंगे कि कैसी क्या कटाई हो रही है। कल जब हम रीपर से कटाई कर रहे थे तो काफ़ी सारी दिक्कतें जा रही थी, लाइक फिलिंग वगैरह चटक रही थी, तो वो धूप के कारण चिटक रही थी। तो आज हम लोग अर्ली मॉर्निंग में जा रहे हैं, तो अर्ली मॉर्निंग में क्या रहता है कि जो फली रहती है उनके ऊपर ओस जमा रहती है, तो इसके कारण फलियाँ नहीं चटकती हैं जब अपन रीपर से काटते हैं। तो बस जल्दी से चलते हैं खेत, लेट्स गो। आज मैं आप लोगों के लिए अपने सोनालिका के माइलेज के बारे में बात करूँगा, और जो अपना सोयाबीन का प्रोडक्शन होगा उसके बारे में बात करूँगा कि कितना सोयाबीन निकला है। तो कीप वॉचिंग टिल दी एंड, मैं वीडियो के कहीं भी बीच में इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकता हूँ, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, एक क्लिक में आपका क्या जाता है। तो चलो ऑल सेट, तो डैडी न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर लेके जा चुके हैं और अब मुझे लेके जाना है सोनालिका। और अपने लिए 2 चीज़ें एक साथ लेके जानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कल्टीवेटर भी साथ में लेके जाना है और ट्राली भी साथ में लेके जानी है। तो डैडी बोल रहे हैं पहले कल्टीवेटर रख जाओ फिर ट्राली रख जाना, तो मैंने कहा ऐसा क्यों, डीजल क्यों वेस्ट करें, तो अपन इसमें थोड़ा बहुत जुगाड़ वुगाड़ बना के इसके लिए एक ही बार में लेके चलेंगे कल्टीवेटर को भी और ट्राली को भी। अब अपन एक काम करते हैं, इसको यहाँ से तार से बांध देते हैं और फिर इसको लेके चलते हैं। ओही करता का मोही, सुरक्षित धन्य कहाँ है पुठे कम्मा दा स्कीन, यू नो व्हाट आई मीन। ऑल सेट, तो अब चलते हैं खेत और मैं सब कुछ रख लिया है अब, बिकॉज आज अपने लिए शायद कॉर्न की थ्रेसिंग करनी है पहले, फिर सोयाबीन की थ्रेसिंग करनी है और कुछ कल्टीवेशन का काम भी करना है। और डैडी रीपर चला ही रहे होंगे और मैं थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए रख लिया है, बिकॉज आप लोगों को पता ही है आई एम एक्सट्रीमली भुक्कड़। तो बस चलो चलते हैं, और आई विश की कुछ रास्ते में गड़बड़ ना हो, अगर ये ट्रॉली नीचे गिर गई तो फिर तो पंगे ही हो जाएंगे। तो फाइनली वी रीच अवर डेस्टिनेशन, और आज अपने लिए इस वाले खेत को कल्टीवेट करना है। और अब बस इसको यहीं पर रख देते हैं और थोड़ी देर बाद आके खोलेंगे, पहले अपन देखने के चलते हैं कि कैसा क्या रीपर चल रहा है। इसको थोड़ी देर बाद आके खोलेंगे और इस सामने वाले खेत में चल रहा है रीपर, तो चलो देख के आते हैं कैसा क्या चल रहा है। ऑल सेट, तो यहाँ पर चल रही है रीपर के थ्रू कटाई, चलो पास से जाके देखते हैं। ऐसी गाइस कैन सी अभी भी कुछ प्लांट छूट रहे हैं जो आड़े टेढ़े हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तूफान आया था, बहुत तेज़ हवाएं चली थी, तो उसके कारण सोयाबीन थोड़ा सा टिल्ट हो गया है।
अदरवाइज अच्छा कटता, देख सकते हो जो प्लांट सीधे हैं वो कट रहे हैं, जो टिल्ट है वो छूट रहा है। जैसे देखो एक ए प्लांट है नीचे की तरफ टिल्ट है, एक ही प्लांट है थोड़ा सा टिल्ट है। ऑल सेट, तो धान की कंडीशन कुछ ऐसी है, और जो आगे वाली धान है वो सबसे पहले प्लांट हुई थी तो वो तो काफ़ी हद तक सूख चुकी है, और दो दिन बाद अपन इसकी कटाई भी लगवा देंगे। बस पहले एक बारी अपनी सोयाबीन की कटाई कंप्लीट हो जाए, और सोयाबीन की कटाई ऐसी कंप्लीट नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा लेबर चाहिए पड़ेंगे जब जाके सोयाबीन की कटाई कम्प्लीट होगी। ऑल सेट, तो अभी अपन अपने सोयाबीन की कटाई रीपर से कर रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स जा रही हैं। तो रीपर को चलने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है आपकी जो फसल है उसकी अच्छी खासी हाइट होनी चाहिए, दूसरी आपकी फसल घनी होनी चाहिए यानी कि पेड़ जो प्लांट है वो पास पास में होने चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके प्लांट में थोड़े पत्ते होने चाहिए, और पत्ते वो भी हरे होने चाहिए। ठीक है, प्लांट एकदम कम्प्लीटली सूखा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत हरा होना चाहिए, घना होना चाहिए, और ऊंचाई होनी चाहिए, खेत में नमी कम होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर आपका खेत ये चीज़ें कम्प्लीट कर रहा है तो आप रीपर से काट सकते हो, अदरवाइज़ तो आप लेबर से ही कटवाओ, लेबर से कटवाना अच्छा रहता है। हाँ, गेहूँ है, धान है, इन सब चीज़ों को अपन रीपर से काट सकते हैं और काफ़ी अच्छी कटाई भी होती है, बट जैसे चना है और अपना सोयाबीन है जो नीची फसलें हैं, बटरी, मसूर, सोयाबीन, इन सब चीज़ों के लिए अपन रीपर से ना ही काटें तो अच्छा रहेगा। तो कल अपन एक काम करेंगे, कल अपन कहीं दूर चलेंगे और लगभग 30-35 के करीब लेबर लेके आएंगे, तो अपना काम थोड़ा हद तक जल्दी हो पाएगा। तो कल अपने लिए बस लेबर ही खोजने हैं, तो वो अपन अपनी कार से चलेंगे और लेबर कहीं से लेके आएंगे, जहाँ मिलेंगे वहाँ से लेके आएंगे, जितने में मिलेंगे उतने में लेके आएंगे। और काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सोयाबीन कितना निकला, सोयाबीन कितना निकला। तो वैसे अपन ने अभी सिर्फ ब्लैक बोल्ड की थ्रेसिंग की है, तो उसके बारे में उसको देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक एकड़ में लगभग 6.5 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ निकला है, और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं 12 क्विंटल प्रति एकड़, 13 क्विंटल प्रति एकड़। तो मुझे तो नहीं लगता है कि यार इतना निकलता होगा, और निकलता भी होगा तो वो जाने, बट मुंह से निकालने में काफ़ी ज़्यादा सरल है, बट खेत से एक्चुअल निकालने में काफ़ी ज़्यादा कठिन है, और काफ़ी सारे लोग मुँह से निकाल देते हैं। जैसे एक मेरा दोस्त है, वो उसको मैं जब भी कॉल करता हूँ कहता है कि 11 क्विंटल प्रति एकड़ निकला, 15 क्विंटल प्रति एकड़ निकला, ये निकला वो निकला, मतलब वो ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो मुंह से तो निकाल देते हैं बट एक्चुअली खेत से निकालना और उसके बाद वेट करना, दैट सीरियसली हार्ड। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो जो मेरे खेत में निकला है वो 6.5 क्विंटल से 7 क्विंटल प्रति एकड़ निकला है, और इस खेत का कुछ थोड़ा और अच्छा एवरेज रहेगा तो वो तो अभी मैं नहीं बता सकता, थ्रेसिंग के बाद ही बताऊँगा। और मेरे से काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपके सोनाली का बल्ट्रक 60 का माइलेज क्या है। तो माइलेज के बारे में बात की जाए तो अगर आप नॉर्मली चलाओगे तो 4 से 4.5 लीटर खाएगा, और हैवी लोड पे चलाओगे तो 5 से 5.5 लीटर खाएगा। और अगर आप लोगों के लिए माइलेज टेस्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं वो भी बना दूंगा, माइलेज टेस्टिंग की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अपन एक काम करेंगे, अपने ट्रैक्टर के टैंक को फुल करेंगे, उसके बाद चला के देखेंगे, वो 14 घंटे चलता, 15 घंटे चलता, 16 घंटे चलता, जितना भी चलेगा वो अपन नोट कर लेंगे, फिर उसके हिसाब से एवरेज निकाल लेंगे। और ऐसा भी कर सकते हैं कि अपन फुल टैंक करेंगे और उसके बाद 1 घंटे चलाएंगे और फिर अपन देखेंगे कि उसने कितना डीजल कंज्यूम किया, और सर जैसा जो कुछ भी आप बोलोगे वो कर लेंगे। तो अभी तो बस अपने लिए कॉर्न की थ्रेसिंग करनी है, सोयाबीन की थ्रेसिंग करनी है, काफ़ी सारे काम करने हैं जो जो करूँगा आप लोगों के लिए दिखाऊँगा। ऑल सेट, तो ये धान सूख चुकी है, अगर आप लोग बोलो तो इसको रीपर से काट के देखते हैं कैसी क्या करती है। तो क्या बोलते हो, लेके आए रीपर और काट के देखें थोड़ी बहुत? तो मेरे वीडियोस के नीचे रोज़ कमेंट आते हैं, भाई कौन सी वैरायटी डेली बताता हूँ यार, ये वैरायटी है 2098, जो पहले आपने देखी है वो है ब्लैक बोल्ड। इतने से निकल लिए है, यहाँ का रास्ता है काफी ज्यादा बेकार, चलो देखते हैं निकल पाता नहीं निकल। ओए ये की करता,
हो घनो भी और ऊंचो भी है जो और ज्यादा सूखो भी नहीं है। बन रहा हूँ नहीं तो बेसिकली गाइस इससे कुछ अच्छे से बन नहीं रहा है, मतलब ठीक ठाक है बट ग्रेन लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो अपन इसके लिए रख रहे हैं और इसके लिए अब खोल देंगे ट्रैक्टर से और ट्रैक्टर से थ्रेसिंग वगैरह करेंगे। आज अपने लिए कॉर्न की थ्रेसिंग करनी है, 10 बज चुके हैं, लेबर्स भी आ गए होंगे तो चलो थ्रेसिंग वगैरह करते हैं। ये तो होल सेट तो आप धान भी काट के दिख रहे हैं थोड़ी बहुत। ओ और भीतर करो भीतर है ने तीसरो पट्टो खोल दा, तीसरो पट्टो लगो हो तो और अभी अभी मैंने कमेंट देखा, एक भाई बोल रहा है भाई पढ़ते लिखते हो या नहीं पढ़ते लिखते हो। तो वैसे तो आप लोगों के लिए बताने के लिए मेरे पास हजारों चीजें हैं बिकॉज आप लोग नए नए जुड़े हो। इसके पहले मेरे काफी सारे यूट्यूब चैनल्स थे, उनमें मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ। तो ये अपन कभी फ्री टाइम में या फिर 1K सब्सक्राइबर 2K सब्सक्राइबर पे ऐसे में कभी एक दिन Q&A टाइप वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं आप लोगों के लिए सब कुछ बताऊंगा। और पढ़ता हूँ, हाँ भाई पढ़ता हूँ, मेरा एडमिशन हुआ है भोपाल में हुआ है और देखो अब मैं कब तक वहाँ पर जाऊँगा और शायद उसके बाद फार्मिंग ब्लॉग्स ना आए पर जब तक हूँ तब तक तो बनाऊँगा ही। वैसे मेरा मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है जाने का। ऑल सेट तो अगर आपके लिए कुछ मेरी पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ भी देखना हो तो आप लोग MP15 ब्रांड और हरिओम दुबे फिटनेस करके दो यूट्यूब चैनल से इनको देख सकते हो। और अगर MP15 ब्रांड यूट्यूब चैनल विजिट करो तो वहाँ पे स्कूल ब्लॉग्स का एक प्लेलिस्ट टाइप ही है, वो देखना मत भूलना, काफ़ी ज़्यादा इनसेन ब्लॉग्स थे वो। मैं उनके लिए अपनी सारी लाइफ देखूँगा जब मैं और बड़ा भी हो जाऊंगा तो वो हर मंथ मैं उनके लिए एक बार ही वो प्लेलिस्ट चेकआउट करता हूँ बिकॉज स्कूल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। और कुछ भी आ गया है घर पे एक ट्रॉली, चलो तो ठीक है एक लाने भर ले, दो राउंड लग गया ये तो क्या कर रहा, चलो आ जाओ है। ऑल सेट तो आप इसको कर रहे हैं डंप, ऑल सेट तो जो कौन है अपन उसको यहाँ पर डंप कर रहे हैं। तो पहले मैं जीप को हटा देता हूँ, तानो नहीं उठे है गाने चलाओ सरकार से निवेदन है कृपया दरुआ कार्ड बनाया जाए, एक दरुआ कार्ड पे एक दिन में सिर्फ 2 बोतलें दी जाए। काफी सारे लोगों की मौत हो रही है।